हमारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करो। बंद करो, जो न माने बातों से, ये तो हमारी, तो हमारी भी बहन बेटी तो है जिसके खिलाफ तुम लव जिहाद लैंड जिहाद चला रहे हो। तो ये इसलिए हो रहा है कि ये फैक्ट चेकर है, इस्लामी है, और जकात फंड पर अरबों अरबों करोड़ों रुपए इसके पास आ रहा है। जुबेर, जरा इसको भी देखना बहुत जरूरी है कि ये कहां रहता है, क्या करता है, कहां से इतना पैसा कमाता है, कहां से इतना पैसा आ रहा है, और उसके लिंक है उसको प्रोपगेट करने वाले, चूंकि ये पत्रकार नहीं है, ये प्रोपगेंडिस्ट है। ये इस्लामिक देशों से, खाड़ी देशों से पैसा लेकर के हिंदू देवी देवताओं, हिंदू धर्माचार्यों को बदनाम करने का काम करता है। जो आपने इंग्लिश में लिख रखा है इसमें ऐसा क्या है जिसको आपने उर्दू में लिख रखा है? हाँ तो मुझे दीजिए कंसर्न, मैं इस पे क्यों दूं? मैं इस पे क्यों दूं? दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ सोशल और पब्लिकली आई वॉन्ट टू, इट इज मैम, हाउ कम, हाउ कम? आज मैं आपके सामने जो खबरें बताऊंगी उससे शायद आपका दिल टूट जाए या फिर ना भी टूटे। जिस तरीके से इस देश में एक समुदाय को लेकर हड़कंप और बवाल मचा हुआ है और लोगों को मारा काटा जा रहा है, उससे तो दिल दुखी ही होता है। पर फिर भी मुझे कैमरे के सामने आना है और आपके सामने ये सब खबरें रखनी है। मन नहीं होता कि ये खबरें देखूँ, टीवी देखूँ और न्यूज़ देखूं, क्योंकि लगातार इस तरीके की खबरें दिल तोड़ देती हैं। मगर फिर भी कैमरे के सामने आकर हमें सच्चाई दिखानी होती है, आपको सच्चाई से रूबरू कराना होता है। इसीलिए बहुत दिल को संभाल कर मैंने ये खबरें जब ढूंढी और देखी, पूरा सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ इन्हीं खबरों से भरा हुआ है कि एक समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उनकी बहू बेटियों के लिए अब शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो कहीं अजान रोक दी जा रही है, तो कहीं लाउड स्पीकर रोक दिए जा रहे हैं। ये सारी खबरें आपके दिल और सीने को चीरती हुई चली जाएंगी। अगर आपके अंदर इंसान अभी बाकी है तो उसे जगा लीजिए और उठ खड़े होइए इस समाज के लिए लड़ने के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए, क्योंकि अब समाज में जिस तरीके का वहशी पना किया जा रहा है उस तरीके से तो राम राज्य नहीं आ सकता। इसीलिए अब मैं शुरुआत करती हूँ एक के बाद एक खबरें जो मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार, मेरा नाम है पूजा अंबेडकर, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए, इसकी वीडियो भी मैं आपके सामने शेयर कर दूंगी। ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, एक महंत है, भगवा कपड़े पहने हुए है, पुलिस खड़ी हुई है और उसके सामने लगातार वो क्या चेतावनी दे रहा है बता देती हूँ। वो लगातार एक ट्रिगर चेतावनी देता है, एक मस्जिद के सामने एक महंत का ये कहना और उसके सामने कई पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, उनकी मौजूदगी में वो ये सब कह रहा है। जी हाँ, ये वीडियो आप देख लेंगे या आपको मैं वीडियो दिखा दूंगी इस पे। तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगी। तो मेरी हत्या के लिए जिस सुगर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, और सुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुगर बाड़ा रहेगा और न लोग रहोगे।
वो कहता है, चेतावनी देता है कि वह मुस्लिम महिलाओं का अपहरण करेगा और खुले में उनका रेप करेगा। जी हाँ, खुले में रेप की चेतावनी देता ये महंत भगवाधारी महिलाओं के लिए किस तरीके के अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है, और वहाँ पर खड़े युवा सुन रहे हैं, पुलिसकर्मी सुन रहे हैं, बिना कोई कार्रवाई किए हुए, बिना किसी को रोके टोके, बिना उसको रोके, ये सब सिर्फ और सिर्फ सरकारी संरक्षण के तहत हो रहा है। और सामने देखते जाइए, अभी मैं आपको एक के बाद एक खबरें दिखाती रहूंगी। और स्थानीय लोगों के मुताबिक शेष वाली मस्जिद खैराबाद सीतापुर के पास, ये मामला जो है सीतापुर का है, जी हाँ, यूपी के सीतापुर का है। 2 अप्रैल 2022 को दोपहर 2 बजे ये महंत इस तरीके की बातें कर रहा है, लाउड स्पीकर में कह रहा है कि महिलाओं का खुले में रेप करेगा। और वहाँ की युवा पीढ़ी देखिए, जब वो इस बात के लिए कहता है कि खुले में मुस्लिम महिलाओं का रेप किया जाएगा, इन्होंने हमें बहुत प्रताड़ित किया है, तो वो युवा पीढ़ी तालियां बजाती है। आखिर ये युवा है कौन? आपको मैं दिखा दूँ ये तस्वीर, मैं वीडियो में देख लीजिएगा आप कि लगभग इसमें किस उम्र के युवा मौजूद हैं। लगभग 18 से 25 साल के युवा मौजूद हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें इसी रोजगार में लगा दिया गया है। ये युवा आप देख लीजिए किस उम्र के हैं और किस उम्र के लोग दिख रहे हैं आपको, भीड़ जो जुटी हुई है तालियां पीट रही है, जिसको कोई समझ नहीं है कि आज वो इस मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो अगला जो प्रहार होगा वो आपकी बहू बेटियों के साथ होगा। जी हाँ, अब मैं एक के बाद एक बताती हूँ। वहीं यूजर ने देखिए क्या लिखा है, जबकि वो यूजर जो है, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, वो राम का परम भक्त है, राम राज्य को बहुत मानता है, उसने खुद लिखा है, क्या जमाना आ गया है, महंत कह रहा है बहन बेटियों का रेप कर दूंगा, और भीड़ उल्लास में जय श्री राम के नारे लगा रही है। एक समय था सीता माता को बचाने के लिए वानर सेना ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जी हाँ, और आज ये इज्जत लूटने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे महंत को। सोचिए, अगर जो थोड़े बहुत लोग जागृत हैं तो वो ऐसा कह रहे हैं, बाकी अगर आप सो रहे हैं तो अपनी नींद को तोड़िए और जागिए कि समाज में किस तरीके से एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद आपके ऊपर भी ये प्रहार किया जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा ये तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, जी हाँ, ये मुस्लिमों से आते आते धीरे धीरे दलितों तक आएगा, पीड़ितों तक आएगा और शोषितों तक आएगा। और जो राम राज्य बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, जो विश्व गुरु बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, विश्व गुरु बना ही चुके हैं। ऐसे ही विश्व गुरु की उन्हें जो है फिराक थी, ऐसा ही वो विश्व गुरु बनाना चाहते थे इस देश को। दूसरा वही यूजर कह रहा है, क्योंकि वो वानर सेना थी, उनके पूजनीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। जो ज़ोंबी सेना है, इनके पूजनीय सबको पता है। सोचिए इस सेना का, जो ये युवा खड़े हुए हैं, इस सेना को ज़ोंबी कहा है, जी हाँ, एक राम भक्त ने ही कहा है, ज़ोंबी बताया है। और इसके पूजनीय कौन है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। इस वीडियो में 18 से 25 साल के, जो अभी मैं बात कह रही थी वही इस युवा ने भी कही है, 18 से 25 साल के युवा अत्यधिक खड़े हुए हैं, यही वर्ग ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं इसके लिए, इस ज़ोंबी सेना में भर्ती होने वाले यही वर्ग है। आगे यही संत जो है, ये सब बोलने के बाद उसको संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो एक के बाद एक जो है इस तरीके के बयान दे रहा है और बार बार इस तरीके की बातें कर रहा है, घिनौनी बातें कर रहा है, अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है महिलाओं के लिए। अरे मैं कहती हूँ, महिला तो महिला होती है, चाहे वो किसी भी समाज की हो, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म से आती हो, किसी भी जाति से आती हो, पर महिला महिला ही होती है। तो इस तरीके का जहर उगलने वाला ये महंत कहाँ से इंसान हो गया है, और कहाँ से ये लोग जो जुट कर उसका समर्थन कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं आखिर? राम राज्य बनाने वाले ये कौन लोग हैं जो इकट्ठा होते हैं, इस तरीके की बात को समर्थन करते हैं, इस तरीके के जहर को समर्थन करते हैं। वही ये महंत दूसरा, जो इसकी वीडियो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगी, कहता है, ये लिखा हुआ है, अ हिंदू सन मेकिंग कॉल्स फॉर रेप
ऑफ मुस्लिम वुमेन, दूसरी वीडियो है ये, जहां पहले वो पुलिस कर्मियों के उसमें जमघट में कह रहा था गाड़ी में बैठकर, वही दूसरी एक और आई है इसकी वीडियो निकलकर, कहता है मेकिंग कॉल्स फॉर रेप ऑफ मुस्लिम वुमेन्स, विल अ पुलिसमैन स्टैंड नेक्स्ट टू हिम, वन ऑफ द पुलिसमैन इज क्लिकिंग पिक्चर, दिस इज शो हाउ मच फेथ मुस्लिम शुड आई हैव इन जुडिशरी ऑफ इंडिया। ये जुडिशरी ऑफ इंडिया कहाँ चला गया है? एक पुलिसकर्मी खड़ा हुआ है जो देख रहा है और सुन रहा है इन बातों को, लगातार वो बलात्कार और रेप की बात कर रहा है, लगातार वो पुलिसकर्मी खड़े होकर मूक दर्शक बना हुआ है और एक पुलिसकर्मी वीडियो बना रहा है। जी हाँ, ये वीडियो मैं आपके सामने शेयर कर दूंगी। आगे और भी है, जब इसी तरीके की कृत्य को अंजाम देने के लिए जब स्टूडेंट सड़कों पर उतरते हैं, इस बात का विरोध करते हैं, इस बात को नकारते हैं और ये इसके खिलाफ बोलते हैं, महंत के खिलाफ, तो सोचिए उन स्टूडेंट को ही डिटेन कर लिया जाता है। जी हाँ, आयशा के जो स्टूडेंट हैं जेएनयू के, उनको ही डिटेन कर लिया जाता है। अभी इन्हीं से जुड़ी एक और खबर मैं आपको बताऊंगी, जेएनयू से जुड़ी हुई, तो इन्हीं स्टूडेंट को डिटेन कर लिया गया है जब उन्होंने इसका विरोध किया। तो सोचिए इस हमारे देश में जो अधिकार की बात करते हैं, जो गलत को गलत बोलते हैं और जिस इस गलत का विरोध करते हैं, उन्हीं को ही पुलिस पकड़ती है, उन्हीं को ही जेल में भर देती है, उन्हीं पे ही धाराएं लगती हैं, यूएपीए लगता है, उन्हें आतंकवादी तक घोषित किया जाता है। मेरी एक बात बताइए, जब इस तरीके का जहर उगलने वाला ये महंत जो बहन बेटियों की इज्जत लूटने की बात कर रहा है, तो ये कहाँ से भगवाधारी है और कहाँ से ये जय श्री राम का नारा और लगाकर ये बोलता है कि रेप करूँगा जय श्री राम। सोचिए इस राम राज्य में राम भी रोते होंगे इस ऐसे घिनौने शख्स को देखकर, ऐसे लोगों को देखकर कि मेरे नाम का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है। जी हाँ, जय श्री राम के इनके नारे में ही सिया जी का, यानी कि स्त्री का नाम ही नहीं है, सिया जी का, जय जय सिया राम का नारा जो ये देना चाहिए इन्हें, सिया जी को तो ये पूछते ही नहीं है, क्योंकि स्त्री इनके समाज में रहती ही नहीं है और स्त्री को ये समझते ही नहीं है कुछ, स्त्री इनके लिए खिलौना है। अब इस गोदी मीडिया को देखिए, जब इस तरीके की वारदातें होती हैं, इस तरीके की वीडियो सामने आती हैं, पूरा सोशल मीडिया इन वीडियो से अटा पड़ा है और इन्हीं सब चीज़ों से अटा पड़ा है, तो वहीं मेन स्ट्रीम और गोदी मीडिया सो रहा है और उसको तो पाकिस्तान के इमरान खान के बारे में ही दिखा रहा है और पाकिस्तान के ही पीछे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान की खबरें दिखा रहा है, जैसे फंडिंग सारा पाकिस्तान ही कर रहा हो। तो लगातार जो है, आप देख लीजिए, ये खबरें सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगी, मेन स्ट्रीम मीडिया तो सो रहा है और वो दिखाएगा नहीं। तो इसी पर ही एक यूज़र ने लिखा है बजरंग मुनि पर, मीडिया में ऐसी खामोशी है मानो सैलरी उसी के खाते से आ रही हो। जी हाँ, जैसे वो महंत ही इन्हें सैलरी दे रहा हो। इस पर इस स्ट्रीम मीडिया ने एक जवाबदेही तक नहीं दी, एक कोई खबर तक नहीं चलाई अपनी इस स्ट्रीम मीडिया ने एक खबर तक नहीं चलाई कि इस तरीके का जो देश में दहशत मची हुई है महिलाओं को लेकर, एक महंत इस तरीके की बातें कर रहा है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया सो रहा है और नहीं दिखा रहा है। जी हाँ, इस तरीके से इस मीडिया का भी सच सामने आ रहा है कि ये मीडिया किस के लिए काम करती है और अपने आकाओं के लिए किस तरीके से और क्या लोगों को परोसती है, इसी से माहौल जो क्रिएट किया जाता है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया का चौथा स्तंभ तो जो है मीडिया का खत्म हो चुका है, जो बचा है तो सिर्फ सोशल मीडिया बचा है जो सच्चाई दिखाता है, उन पर भी जो है शिकंजा कसा जा रहा है, उन पर भी प्रहार किया जा रहा है। जी हाँ, राम राज्य है इसीलिए। अब आगे देखिए, 6 अप्रैल को डुमरियागंज निवासी मोहम्मद इस्लाम की जमीन पर कुछ लोगों ने कथित तौर पर कब्जा कर लिया। इस्लाम का आरोप है कि इंसाफ की गुहार करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी हाँ, ये भी यूपी का ही मामला है जो सामने आया है, ये देख लीजिए तस्वीरें और वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगी किस तरीके से, किस कदर इस मोहम्मद इस्लाम को पीटा गया है और उसकी ज़मीन पर कब्जा कर मंदिर बना दिया गया है और मूर्ति की स्थापना कर दी गई है। जी हाँ, आरोपियों ने उनकी ज़मीन पर एक मूर्ति की स्थापना कर दी है और 9 अप्रैल को जब इस्लाम मंडी से गुजर रहे थे तब कथित तौर पर एक साजिश
के तहत उन पर जानलेवा हमला तक किया गया। ये वीडियो आप देख लीजिए, मैं वीडियो दिखा दूंगी, ये फोटो आप देख लीजिए, अभी मैं वीडियो भी आपको जो है दिखा दूंगी यहाँ पर। कथित तौर पर जानलेवा हमला किया गया जिसमें वह बुरी तरह से चोटिल हो गया। ये जो अभी मैं खबरें बता रही हूँ, लगातार एक समुदाय की खबर बता रही हूँ, और ये सारा जो दहशत हो रही है वो यूपी से होते हुए गुजरात और ना जाने कहाँ कहाँ कितने देशों को जला रही है, ये अभी मैं लगातार आपको बताऊंगी। वहीं अब ये देख लीजिए, ये मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगी। लुक एट द शॉप एंड मार्क द डिफरेंस बिटवीन उस्मान एंड रवि, सी द डिफरेंस, द आइडिया ऑफ इंडिया इज अ नटशेल, द बिटर ट्रूथ इन करौली राजस्थान शॉप ऑफ मुस्लिम ट्रेडर्स वेयर लूटेड वैंडलाइज्ड सिलेक्टिवली एंड सेट ऑन फायर बाय द लोकल हिंदुत्व मोब। ये देख लीजिए कि क्या हो रहा है। एक तरफ रवि है यानी कि हिंदू है, और एक तरफ उस्मान नाम का ये शख्स है जिसकी दुकान में तोड़फोड़ कर दी गई है, उसके सामान को जला दिया गया है। जी हाँ, ये मामला जो है करौली का है, राजस्थान का है। ये लगातार इस तरीके की खबरें आ रही है पूरे देश से, और रामनवमी के दिन जिस तरीके का तांडव किया गया है, वो रामनवमी का सच अभी मैं बताऊंगी। सारा जो तांडव रचा गया है, क्यों रचा जा रहा है, किस लिए रचा जा रहा है, ये आप खुद भी सोचिएगा। ये फोटो देख लीजिए आप, एक तरफ रवि है और एक तरफ उस्मान है जिसकी पूरी दुकान जो है तहस नहस कर दी गई है, सामान उसका जला दिया गया है। अब ये जो दूसरा है, तीसरा मामला सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। जी हाँ, सोचिए वहाँ पर भगवाधारी जो सारे हैं, ये देख लीजिए, ये वीडियो में वीडियो नहीं है, इसकी फोटो है, वीडियो होगी तो मैं वो जरूर दिखा दूंगी। बंद करो, जो न माने बातों से, जो न माने बातों से, तो वहां पर देखिए किस तरीके की अनाउंसमेंट की जा रही है, जो ना माने बातों से वो मानेगा लातों से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंदू सेना के कुछ लोग नवरात्रि पर जबरदस्ती मीट की दुकानों को बंद करवा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये मामला जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। जी हाँ, और आगे आप देखते जाइए, एक के बाद एक मैं खबरें आपको दिखाती रहूंगी। जेएनयू की खबर जो है सामने आई है, जो शुक्र जिस दिन नवमी रामनवमी थी उसी दिन की ये खबर है। आप देखिए, एबीवीपी ने मेन सेक्रेटरी पर भी हमला किया। मैं अभी आपको पहले शुरुआत से बता देती हूँ, एबीवीपी द्वारा जेएनयू में की गई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया। पहले तो वहां पर मार पिटाई की जाती है, मामला क्या है अभी मैं बता देती हूँ। डिटेन कर लिया गया, छात्र आते हैं और एक मिनट में दिल्ली पुलिस उठा ले जाती है। सोचिए, छात्र जब अपनी बात और विरोध करते हैं उस बात का कि उनको मारपीट क्यों किया गया। जी हाँ, जेएनयू में एक मामला सामने आया है। नवरात्रि के दिन जो लेफ्ट विंग था और राइट विंग था, राइट विंग का जो पूरा लोग थे वो रामनवमी मना रहे थे, और लेफ्ट विंग के लोग थे जो वो अपने खाने पीने से रिलेट, यानी कि मेन्यू के तहत जो खाना बनाया गया था, उस दिन मीट भी बना था वहाँ पर, तो वहाँ पर जो दिन में जो है मीट लेकर आया था वहाँ का सेक्रेटरी, एबीवीपी ने मेन सेक्रेटरी पर भी हमला किया, लड़कियों पर भी हमला किया। कई लड़कियों के सर फूटने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें जो हैं मैं लगातार आपको सामने दिखा दूंगी यहाँ पर सारी।
सर फूटने और तस्वीर भी सामने आ रही है। विश्वविद्यालय स्वतंत्र सोच के लिए जाने जाते हैं, सोचिए विश्वविद्यालय में ये सब हो रहा है। जी हाँ, जेएनयू तो वैसे भी कट्टर हिंदुओं द्वारा जो है कहा गया है, वहाँ पर जेएनयू जो है अड्डा है ऐसे लोगों का जो इस्लामाबाद को इस्लामाबाद को जो है समर्थन करते हैं, जेएनयू को ऐसा अड्डा बताया जा रहा है। जी हाँ, और जबकि जब सर्च किया गया और देखा गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, जबकि अमित शाह ने भी इस तरीके की बात का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, विश्वविद्यालय स्वतंत्र सोच के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है मोदी राज में उन्हें नवरात्रि के नियम भी फॉलो करने पड़ेंगे। सोचिए, एक तरफ अगर आप ये एक पहले बात समझिए कि हमारे देश में सबको अपने अपने हक अधिकार का जो है अधिकार है, अपने स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है, कपड़ा पहनने का अधिकार है, उनको स्वतंत्रता से रहना कि किसके साथ रहें, कहाँ रहें, कैसे रहें, क्या खाना है, क्या पहनना है, इस सब की स्वतंत्रता इस देश में दी गई है। मगर संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है राम राज्य में, और लगातार संविधान को जो है तोड़ा जा रहा है। जी हाँ, इस लोकतंत्र को तोड़कर भीड़ तंत्र में बदला जा रहा है। मैं लगातार अपनी हर वीडियो में इस बात को मैं रखती हूँ और आपने सुना भी होगा, क्योंकि हमारे देश में लगातार यही हो रहा है। लोकतंत्र को तोड़कर भीड़ तंत्र को तवज्जो दी जा रही है। एक भीड़ तंत्र तैयार किया गया है ऐसे लोगों का जो जिसमें नफरत और जहर के अलावा कुछ नहीं है, और आखिर में सब कुछ नष्ट हो ही जाता है। जब इस तरीके की नफरत और आग फैलती है तो सिर्फ एक घर और एक शहर तक नहीं पहुंचती है, पूरे देश तक पहुंचती है, जो सबको जला के रख देती है। जी हाँ, ये नवरात्रि के नियम फॉलो करने के लिए जो है विश्वविद्यालय में भी इस तरीके की कवायद चली है, क्योंकि वहाँ जो है रामनवमी मना रहे थे लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं, वो रामनवमी मना रहे थे, जबकि इस तरीके की स्थिति किसी ने भी पैदा नहीं की थी। राइट विंग के जो छात्र हैं वो बना रहे थे रामनवमी, और लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं उन्होंने इनकी इस रामनवमी में किसी भी तरीके की कोई ऐसा वीडियो और फोटो सामने नहीं आए कि उन्होंने इनकी पूजा में कोई भंग डाला हो। मगर वो अपने खाने के लिए लेफ्ट विंग मेन्यू के अकॉर्डिंग वहाँ पर बन रहा था, तो उन्होंने वही चीज़ जो है बोली कि आज क्यों नहीं बना। मांस खाने के लिए जो है राइट विंग ने लेफ्ट विंग पर हमला कर दिया, और लगातार एबीवीपी के जो छात्र थे उन्होंने लगातार आयशा के जो छात्र थे उन पर हमला किया, लगातार उनको मारा पीटा। एसएफआई भी इसमें शामिल था जिनके साथ मारपीट हुई है, लगातार उनके सर तक फोड़ दिए गए हैं, खून तक निकल रहा है छात्रों के। आपको मैं ये फोटोज जो है शेयर कर दूंगी, यहाँ पर दिखा दूंगी। अब देखिए एक और मामला, हिंदू समूह के सदस्यों द्वारा धारवाड़ा में मुस्लिम पुरुषों की दुकानों में तोड़फोड़ करने के बाद धार्मिक स्थलों पर मुस्लिम व्यापारियों के बहिष्कार का आह्वान किया गया है। सोचिए, इस तरीके का जो जहर है लगातार फैलाया जा रहा है पूरे देश में, गुजरात से लेके कर्नाटक हो चाहे यूपी हो, सारे देशों में इस तरीके का राज्य में इस तरीके का जहर फैला दिया गया है। एक तरीके से जो है लोगों के दिमाग में, ये खासकर युवाओं को इस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। सोचिए, उन्होंने आह्वान किया है, क्रूर मोड़ ले लिया है। सोचिए, सदस्यों ने श्री राम सेना के बताए जाने वाले नुग्गी केरी अजनेया मंदिर में शनिवार को मुस्लिम विक्रेताओं की दुकानों में तोड़फोड़ की है, उनकी दुकानें तोड़ दी हैं, जो पूरा उनकी फल की दुकानें थी वो तोड़फोड़ कर दी हैं लगातार उसमें। जो है उनके फल फेंक दिए रोड़ों पर और उनका जो सामान है तहस नहस कर दिया। ये लोग नबी सब की तरबूज की दुकान में घुस गए और दुकान में तोड़फोड़ की। श्री राम सेना के लोगों ने मुस्लिम पुरुषों की कुल 5 दुकानों को जबरन खाली करा दिया। सोचिए, किस तरीके का भीड़ तंत्र चल रहा है। ये कौन लोग हैं जो हाथों में कानून लेकर घूम रहे हैं रोड़ों पर, जो लगातार लोगों पर
अपना शिकंजा कसते आ रहे हैं, लगातार लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, और किन लोगों के साथ कर रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक ही समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अगर वहां पर किसी रवि की दुकान होती है और उस्मान की दुकान होती है तो उस रवि की दुकान को छोड़ दिया जाता है और उस्मान की दुकान को तोड़ दिया जाता है। ये किस तरीके की कवायद चल रही है हमारे देश में, और हमारे देश की जो सरकार है वो कहाँ सोई हुई है। लगातार जो बुलडोजर बाबा हैं वो कहते हैं हमारे देश और राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं, और देश में जो है शांति प्रिय जो है बना हुआ है हमारा देश, वो लगातार बुलडोजर बाबा की ये बातें अब कहीं ना कहीं झूठी समझ में आ रही हैं। बुलडोजर बाबा ने जो कहा था गर्मी शांत कर दूंगा, तो वो गर्मी अब दिख रही है किस तरीके से शांत की जा रही है, और किस समुदाय के लिए बात की गई थी गर्मी शांत करने की वो समझ में आ रहा है। कह रहे थे मई के महीने में जो है शिमला बना दूंगा, तो वही गर्मी जो है उनकी दिखाई पड़ रही है बुलडोजर बाबा की, योगी की ये बात जो है कहीं ना कहीं यहाँ सटीक बैठती है कि किस तरीके से उन्होंने जो बयानबाजी दी थी अपने वोट समेटने के लिए, तो अब वो बयानबाजी जो है उस पर खरे वो उतर रहे हैं। किस तरीके की गर्मी शांत होने की बात की जा रही थी वो अब सबको पता लग रहा है, सबके सामने आ गया है कि गर्मी किसकी शांत की जा रही है। लगातार इस तरीके की खबरें आपको जो है सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए और समझिए क्या हो रहा है आपके देश में और लगातार जो है क्या चल रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपके दिमाग को सड़ा रही है और गला रही है, आपके दिमाग को जो है जंग लगा दिया है, आपको सोचने समझने की जो क्षमता है वो ख़त्म कर दी है, जो सच्चाई है उससे आपको रूबरू नहीं कराया जा रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो है वही दिखाया जा रहा है कि हिंदुओं के मंदिरों में जाकर मुस्लिमों ने तोड़फोड़ की। अरे सच्चाई को देखिए, वहाँ हो क्या रहा है, किस तरीके का सच है वो जानिए। जो सही हिंदू हैं मायने में वो जाके रामनवमी जो है मंदिरों में मना रहे हैं, ना कि इस तरीके की संघी मानसिकता वाले जो लोग हैं जो मस्जिदों पर चढ़ के झंडे गाड़ रहे हैं। अभी लगातार मैं अभी और खबरें भी बताऊंगी आपको। ये तो अभी धारावाड़ा की खबर मैंने बताई कि वहाँ पर किस तरीके से उनकी दुकान तोड़ फोड़ कर दी गई और 5 मुस्लिम दुकानदार थे उनकी दुकानें बंद कर दी गई और जबरन खाली करवा दी गई, उनका सामान फेंक दिया गया। ये देखिए, ये आप तस्वीर देख लीजिए, हिंदुत्व समूह ने धारावाड़ा में मुस्लिम दुकानों में तोड़फोड़ की। अब आ जाइए लगातार, अभी मैं अब आपको और खबर बता देती हूँ। मोहम्मद जुबैर, ऑल्ट न्यूज़ के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को जो ये स्वामी जी है, देखिए क्या कह रहे हैं, ये वीडियो मैं आपको दिखा दूंगी। ये तो हमारी भी बहन बेटी तो है जिसके खिलाफ तुम लव जिहाद लैंड जिहाद चला रहे हो। तो ये इसलिए हो रहा है कि ये फैक्ट चेकर है, इस्लामी है, और जकात फंड पर अरबों अरबों करोड़ों रुपए इसके पास आ रहा है जुबैर। जरा इसको भी देखना बहुत जरूरी है कि ये कहां रहता है, क्या करता है, कहां से इतना पैसा कमाता है, कहां से इतना पैसा आ रहा है, और उसके लिंक है उसको प्रोपगेट करने वाले। चूंकि ये पत्रकार नहीं है, ये प्रोपगेंडिस्ट है, ये इस्लामिक देशों से खाड़ी देशों से पैसा लेकर के हिंदू देवी देवताओं हिंदू धर्माचार्यों को बदनाम करने का काम करता है। और अभी धर्म संसद जो हरिद्वार थी, धर्म संसद जो प्रयागराज थी, उसको बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र इसी ने रचा था, और पूरा पूरी दुनिया में भारत के हिंदू धर्माचार्यों की थूतू कराया। हमारा कहना यह है कि पहले तो इसके बारे में इसकी संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है कि कौन आदमी है, कहां से इसका पैसा आ रहा है, इस प्रकार की नफरत फैलाने का काम क्यों कर रहा है। महाराज जी ने जो बात कही है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 10% हिंदू जहां पे है वहां पे किस प्रकार से रहता होगा जरा सोचिए। आए दिन मठ पे उस कब्जा होता है और जाकर के मेले में हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं। उन्होंने यही कहा कि अगर तुम बहन बेटी को छेड़ते मिलोगे तो तुम्हारी बहन बेटी भी कैसे सुरक्षित रहेगी। बात सही है। मैं सीतापुर पुलिस को कह देना चाहता हूं, यदि बजरंग मुनि जी को कुछ हुआ तो साधु संत हरिद्वार से प्रयागराज से बनारस से वहां पहुंचेंगे और भारी विरोध का सामना उनको करना पड़ेगा। तो बजरंग मुनि के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, वो सुरक्षित होने चाहिए। वो विकलांग व्यक्ति हैं और इन इस्लामिक लोगों ने उनके ऊपर हमला करके उनको विकलांग किया है। उस पर आप जो जांच करिए जांच करते रहिए, लेकिन उनको आंच नहीं आना चाहिए। मैं योगी जी से भी आग्रह करता हूं, इन इस्लामियों से हिंदू धर्म को बचाने वाले पूज्य बजरंग मुनि की रक्षा करिए, उनकी सुरक्षा करिए और उनका जो मोहम्मद जुबैर है वो पत्रकार है, वो ऑल्ट न्यूज चलाते हैं
और लगातार जो है फैक्ट दिखाते हैं, फैक्ट चेकर हैं, और हर सही खबर को वो दिखाते हैं तो जो सही बोलता है उसको तो ये आतंकवादी घोषित कर देते हैं, क्योंकि सही की बात आपने कैसे निकाली और सही आपने कैसे दिखा दिया, सच्चाई क्यों दिखा दी। तो देखिए, हेट मोंगर स्वामी आनंद स्वरूप हैज नाउ एंड्रोजिस स्टेटमेंट्स ऑफ महंत बजरंग मुनि, ही एक्यूजिस मी ऑफ कलेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ करोड़ फ्रॉम इस्लामिक नेशंस एज जकात फंड्स, ब्लेम मी फॉर एक्सपोजिंग धर्म संसद इन हरिद्वार। जी हाँ, धर्म संसद में ये महंत जो है, ये महाराज स्वामी जी हैं, कहते हैं कि जुबैर जो है इस तरीके का कट्टरवादी है और जो है फतवा जारी करेगा और इसको फंडिंग जो है जकात से होती है। सोचिए, एक पत्रकार जो सच्चाई दिखा रहा है उसको फंडिंग तक के लिए जो बोल दिया है कि इस्लामिक कंट्रीज से उसको फंड होता है, जबकि हमारे जैसे और आपके जैसे लोग ही देखकर फंडिंग करते हैं और हमारे जैसे लोग ही देखते हैं उनके चैनलों को। जी हाँ, जो सच्चाई जानना चाहते हैं वही लोग इन चैनलों को देखते हैं। तो इस तरीके का ये बयान देखिए स्वामी आनंद जी का, और जो महंत बजरंग मुनि है उसका वो फेवर करते हैं। ये कौन लोग हैं आखिर, भगवाधारी जो गेरुआ वस्त्र पहनकर इस तरीके का जहर उगल रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो हमारे समाज को जो है शोषित और पीड़ित करते जा रहे हैं, दिमाग से भी जो है अपंग करते जा रहे हैं, कौन लोग हैं, सोचिए आप। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीर है मुस्लिम घरों की, जिनके घर तोड़ दिए गए हैं, दुकानें तोड़ दी गई हैं। ये जो है लगातार आया है, करौली का ही है जो दंगा प्रभावित कर दिया गया है। जी हाँ, रामनवमी के दिन जो है ये दंगा किया गया, आगजनी तक की गई है वहाँ पर। तो एक जो यूज़र है उन्होंने लिखा, मेरे पत्रकार मित्र, यदि आपके पास समय है तो कृपया करौली जाएं और दंगा प्रभावित लोगों से मिलें, वे अपनी कहानियां बताना चाहते हैं। भौतिक नुकसान के अलावा लोगों को और अधिक दुख इस बात से हुआ है कि वे आश्चर्य करते हैं कि कैसे कुछ घंटों के भीतर सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। सोचिए क्या हो रहा है हमारे देश में। बहुत दिल दुखता है इस तरीके की तस्वीरें देखकर और इस तरीके की वीडियो देखकर कि लगातार एक ही समाज को जो है बुलडोज़र बाबा की सरकार और चौकीदार की सरकार जो है लगातार टारगेट कर रही है। अब मेरे दिमाग में एक बात और आती है कि इस तरीके का दंगा फसाद क्यों किया जा रहा है हमारे देश में। जब सरकार सत्ता में है तो इस तरीके का दंगा तो तभी किया जाता है और इस तरीके की आगजनी तभी कराई जाती है कि उसे सत्ता में आना हो, मगर यह मामला कुछ और है। जी हाँ, सरकार जो है, बीजेपी जो है, उसने वोट तो बटोर लिए मगर लोगों के दिलों में जो है जगह नहीं बना पाई है। लोग जो है उसको अभी भी नकारते हैं, इसीलिए वो इस तरीके का सौहार्द को तोड़ रही है ताकि आप लोग डर और भय से जो है उसको वोट करें। जी हाँ, वोटिंग का घपला तो सबको ही पता है कि क्या हुआ है ईवीएम के साथ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी इसी से जुड़ी और मैं दिखा देती हूँ, हिंदू मॉब सेट फायर टू द दरगाह इन हिम्मत नगर गुजरात। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये हिम्मत नगर गुजरात की है। गुजरात में जो है लगातार इस तरीके की फायरिंग तक की गई है, वहाँ आग लगा दी गई है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए। दरगाह में जो है तोड़फोड़ की गई है, उनके घरों को तोड़ा गया है, बुलडोज़र तक चला दिया है। अभी इसी से जुड़ी मैं दिखा देती, ये देखिए, ये वीडियो मैं आपके सामने जो है आपको दिखा दूंगी। ये वीडियो है मुजफ्फरनगर बिहार की। वहाँ पर भी जो है रामनवमी के दिन इस तरीके का दंगा फसाद मारकाट की गई, कितने लोग घायल हुए हैं। ये वीडियो मैं आपको दिखा दूंगी, ये भी आप देख लीजिए। फ्लेम्स फ्रॉम अ मॉस्क इन खरगोन। खरगोन में आपको पता है क्या हुआ है, लगातार वहाँ तोड़फोड़ और मुस्लिमों को मारकाट किया गया है।
कितने लोग वहाँ घायल हुए हैं, मरे भी हैं, जिनमें से जो लोग मिले हैं वहाँ पर उन मृत शरीर भी मिले हैं और लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं, आगजनी की गई है खरगोन में। यह अब मैं बता देती हूँ, फ्लेम्स फ्रॉम अ मस्क इन खरगोन, द कैमरा मूव्स फॉर अ सेकेंड एंड वन कैन सी पुलिस मैन साइलेंटली वॉचिंग। जी हाँ, कैमरा एक बार को दिखा दिया जाता है, पिक्चर दिखा दी जाती है और वहाँ पर जो पुलिस जो खड़ी हुई है वो वीडियो बनाती है और मूक बद्ध होकर खड़ी हुई ये सब कुछ तमाशा देखती रहती है। सरकार और पुलिस कर्मियों के सामने ये सब चलता रहता है और सरकार और पुलिस वाले मौन मूक होकर ये सब देखते रहते हैं। जी हाँ, अगर इन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं है तो ये कैसे कर लेते हैं ये सब? इनको संरक्षण प्राप्त है तभी ये इस तरीके की घिनौनी हरकत करते आ रहे हैं, तभी समाज में जो है द्वेष फैला रहे हैं, लोगों में दंगा भड़का रहे हैं। आखिर ये दंगे की स्थिति क्यों पैदा की जा रही है, सोचिए आप। वहीं अभी एक ट्वीट है और बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, लिखा है आरएसएस ने लाखों युवाओं का ये बना दिया है। जी हाँ, ये बना दिया है, ये अब मेन स्ट्रीम है। मैंने कल दिल्ली में खुद देखा इनको, मैंने एक से सवाल पूछा, आप कौन हैं, कहाँ पढ़ते हो? उसने कहा, एक धक्का और दो, जामा मस्जिद तोड़ दो। सोचिए ये कौन युवा हैं, ये कौन लोग हैं जो लगातार इस तरीके की कवायद में शामिल हो रहे हैं, लगातार इस तरीके की जहर घोलने वाली मानसिकता उनके अंदर डाली जा रही है। लगातार जो है ये वही युवा हैं जो रोज़गार हैं, पहले उनका रोज़गार छीन लिया जाता है, फिर उन्हें इन दंगे फसातों में लगा दिया जाता है। आप अपने बच्चों को इन दंगे फसातों में लगाइए और जो ये बैठी हुई सरकार है वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएगी, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएगी और उनके बच्चे ही आईएएस बनेंगे, अच्छे उच्च अधिकारी बनेंगे और आप अपने बच्चों को ऐसे ही दंगा भड़काने वाली राजनीति में शामिल करते रहिए, बैठकर तमाशा देखते रहिए, 150 रुपए के लिए अपने बच्चों को भेजते रहिए, ऐसी ही भीड़ में शामिल करते रहिए और गेरुए रंग वालों की और गेरुआ जो संतरा है उनके बदलते रंगों में ऐसे ही शामिल करते रहिए, आप अपने बच्चों को भेजते रहिए ताकि आपके बच्चे जो हैं इसी तरीके के दंगे फसाद में लगे रहें। और आज आप जो है उनकी मानसिकता और उनकी बात को नहीं समझेंगे, किस तरीके का काम कर रहे हैं हमारे देश में, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और आपस के सौहार्द को जो है खराब करने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने कहा कि जिस तरीके से आपके बच्चे इस दंगों में लगे हुए हैं, वहीं जो सरकार और जो उच्च अधिकारी हैं उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में और बाहर विदेशों में पढ़ने जाएंगे। जी हाँ, अभी मेरे सामने एक और नमूना आ ही गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जय शाह हैं। जी, जय शाह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईसीसी क्रिकेट कमेटी। जी हाँ, ये जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे हैं, जो आईसीसी क्रिकेट के कमेटी के मेंबर है, रिप्रेजेंटेटिव है। जी, ये अपने बच्चों को उच्च अधिकारी बनाएंगे और इस तरीके की सीटों पर बिठाएंगे, मगर आप अपने बच्चों को इसी तरीके का द्वेष जो है देते रहिए, उनके दिमागों में जहर भरवाते रहिए, सिर्फ 500-500 रुपए लेकर रैलियों में शामिल करते रहिए और अपने बच्चों को भीड़ में तब्दील कर दीजिए और भीड़ तंत्र में शामिल कर दीजिए। अभी इसी तरीके का, अभी जो जेएनयू का मैंने बताया था कि वहाँ मारपीट क्यों की गई थी, भारत ने बहुत प्रगति कर ली है, अब लोग नॉनवेज खाने पर पिटते हैं, बहुत जल्द ही वो विश्व गुरु बनने वाला है। जी हाँ, पहले हिजाब यानी कि कपड़ा पहनने पर रोक लगाई जाती है कि आप किस तरीके का कपड़ा पहनेंगे, फिर आपके खाने पर रोक लगाई जाती है और आगे आगे देखिए अभी किस किस चीज़ पर रोक लगाई जाएगी कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आप कहाँ रहें, कहाँ नहीं रहें, अब ये सरकार तय करेगी। जी हाँ, आप तय नहीं करेंगे, ये सरकार तय करेगी कि आपके बच्चे क्या पहने, क्या खाएं और आप किस तरीके की लोगों में बैठें उठें, ये अब सरकार तय करेगी, आप तय नहीं करेंगे। जिस तरीके से आप सरकार को बढ़ावा दे रहे हैं और धीरे धीरे इसी तरीके से आपका देश जो है विश्व गुरु बनता जाएगा। खुश होते रहिए, विश्व गुरु बन रहा है हमारा देश। जी हाँ,
भाई एक जो है यूजर ने कहा, मुझे लगता है गरीब मिडिल क्लास और निचले तबके को एजुकेशन से दूर रखा जाएगा तब तब ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। जी हाँ, कुछ एक लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं और कह रहे हैं और बोल रहे हैं, मगर आप सोते रहिए। फिर उन्होंने कहा है, क्योंकि इन भटके हुए बच्चों में आपको कोई भी ऊंची कास्ट का बच्चा नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको इस भीड़ तंत्र में जो ये युवा खड़े हुए हैं, जो महंत की बातों पर तालियां पीट रहे हैं, ये जो भीड़ खड़ी हुई है वो कहीं पे कहीं भी ऊंची कास्ट के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गरीब और मजदूरों के बच्चे हैं जिनको ऐसे कामों में झोंक दिया जाता है, लगा दिया जाता है। बिल्कुल सही बात कही है। अभी कुछ लोग हैं जो जागृत हैं, मगर आप सोए रहिए और मत जागिए। जब सब कुछ लुट जाएगा तब आप जागेंगे, तब पाएंगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है गरीब मिडिल क्लास और निचले तबके को एजुकेशन से दूर रखा जाए तब तब ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि इन भटके हुए बच्चों में आपको कोई भी ऊंची कास्ट का बच्चा नहीं मिलेगा। शायद हुक्मरान यही चाहता है कि गरीब और निचले तबके के बच्चे इन्हीं सब चीज़ों में लग जाए, इन्हीं सब कामों में लग जाए। सोचिए, आप ये लगातार वीडियो जो है मैं आपको दिखाती रहूँगी, आप देखते रहिए। पूरा जो सोशल मीडिया है इन्हीं न्यूज़ से और इन्हीं खबरों से भरा पड़ा है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया तो कहीं और लगा पड़ा है, अपनी कमाई कमाने में, अपने आकाओं की गुलामगिरी करने में लगा हुआ है। वो तो आपको सच दिखाएगा नहीं। आप गौर से देखिएगा इन सब वीडियो में कि ये कौन लोग हैं और कितनी उम्र के लोग हैं तालियां पीट रहे हैं। कम उम्र के जो युवा हैं, वो छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं और आप ही के घर से और मजदूर गरीब परिवार से निकले हुए बच्चे हैं। अब एक और मामला है, मुजफ्फरनगर के कैथैया थाने के असवारी बंजरिया में ईदगाह के गुबंद पर भगवा झंडा फहराने पर दो पक्षों में तनाव हुआ। सोचिए, अगर आपको रामनवमी मनानी है तो रामनवमी आराम से और सही से बनाइए ना, कौन आपको रोक रहा है। मगर ये कहाँ की नीति है और कैसी सोच है कि आप जब तक झंडा, भगवा झंडा ईदगाह की मस्जिद पर नहीं लगाएंगे तब तक आपकी रामनवमी नहीं मानी जाएगी। ये कौन लोग हैं? ये वही संघी लोग हैं और संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने आपके दिमागों में जहर भर दिया है। जी हाँ, आला पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया ऐसा कहा गया है, पर हालात काबू पाते दिख नहीं रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में गुबंद से भगवा झंडा उतारा गया ऐसा कहा जा रहा है, मगर ये वीडियो मैं आपको दिखा दूंगी। तो यही बात है कि दोनों आदमी को पकड़िए, बहुत शरारती तत्व है जो ये कर रहा है, दोनों को प्रेम से बर्बाद कर रहा है। अरे चढ़ल अथी तेज के काम नहीं, बुर्बक के काम है, चढ़ल ऊपर किस तरीके से और किस उम्र का ये लड़का है जो ऊपर चढ़कर मस्जिद पर झंडा लगा रहा है। अब ये एक और यूजर ने कहा है, विकास के नाम पर ये सत्ता में आए और हिंदू खतरे में है के कारण ये टिके हैं, और सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए वह कारण भी बना रहना चाहिए और सामाजिक शांति असंतुलन भी, जिससे कोई एकजुट होकर किसान आंदोलन जैसा विद्रोह ना कर सके।
जी हाँ, इस तरीके के सौहार्द को तोड़ा जा रहा है, लगातार मरोड़ा जा रहा है और आपके देश में इस जहर को फैलाया जा रहा है, आपके दिमागों तक पहुंचाया जा रहा है, घर घर तक पहुंचाया जा रहा है ताकि आप लोग इसी सब में जुटे रहें। और महंगाई की बात ना करें, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं उसकी बात ना करें, आप इसी इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहिए। इसलिए एक के बाद एक जो है मुस्लिम लोगों को टारगेट कर कर दिखाया जा रहा है कि आज इस तरीके का यहाँ पर हुआ, हिंदुओं को परेशान किया, जबकि मुस्लिमों के साथ लगातार अत्याचार किया जा रहा है। दिलीप मंडल जी हैं, उन्होंने कहा, मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि RSS और BJP देश में दंगा कराना चाहती है, लेकिन दंगा तो सत्ता में आने के लिए होता है। देखिए, इससे पहले ही मैं ये बात कह चुकी थी और ये भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन दंगा तो सत्ता में आने के लिए होता है, सत्ता में रहकर दंगा क्यों? सोचिए आप। मुझे लगता है कि देश का सामाजिक शक्ति संतुलन अभी BJP के पक्षों में नहीं है। BJP चुनाव जीत रही है पर समाज में उसकी सत्ता कमज़ोर है। जी हाँ, चुनाव तो वो जीत रही है मगर उसकी सत्ता जो है उसे पता है कि कमज़ोर है, टूटी पड़ी है। इसीलिए इस तरीके के सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ा जाए और जहर फैलाया जाए जिससे उसकी पैठ बन सके। तभी इस तरीके का गोधरा कांड भी आपको अच्छे से याद होगा, क्योंकि गोधरा कांड में क्या हुआ था ये भी आपको पता है। इसी तरीके की राजनीति की गई थी। जब जब सत्ता में लोग बैठे रहेंगे और इस तरीके की BJP जब तक इस सरकार और सत्ता में बनी रहेगी, आपके बच्चे इन्हीं सब भीड़ तंत्र में जुटे रहेंगे, इसी सौहार्द को तोड़ने में लगे रहेंगे और लगा के रखेंगे ये सरकारें, और आप अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों में झोंकते जाइए। वहीं एक यूज़र ने कहा, मुस्लिम बच्चियों को हिजाब नहीं पहनने देंगे क्योंकि स्कूल में धर्म नहीं लाना है, धर्म नहीं लाना चाहिए, लेकिन JNU में नॉनवेज बनने पर हुड़दंग करके करेंगे क्योंकि नवरात्रि चल रही है। जी हाँ, वहीं एक तरफ स्कूल में जो है बच्चियों को हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा है, वहीं विश्वविद्यालय में नॉनवेज खाने पर नवरात्रि का जो है बताया जा रहा है कि नवरात्रि है इसीलिए हमने जो है नॉनवेज के लिए मना किया। भाई, सबको अपनी आज़ादी है, कौन क्या खाएगा कौन क्या नहीं खाएगा सबको अपनी आज़ादी है, वो खा रहा है तो आप खाने दीजिए ना। अब इसी तरीके का हिजाब लेकर आए, फिर हलाल मीट लेकर आए कि हलाल मीट बंद होगा, जबकि जो मेयर है, दिल्ली के मेयर हैं, वो कहते हैं कि 90% लोग जो हैं शाकाहारी हैं। अगर आप जाकर देखेंगे, मैं उसका नक्शा भी जो है आपको यहाँ दिखा दूंगी, आप देखेंगे कि 90% लोग जो है जो वो बता रहे हैं शाकाहारी हैं। तो आपको मैं बता दूं, 90% बल्कि 95% लोग जो है नॉनवेज खाते हैं और उनमें यही लोग शामिल हैं। जी हाँ, यही मेयर से लेकर पूरी सरकार और ये लोग सब मिलके खाते हैं, सब खाते हैं, सबको अपने खाने की आज़ादी है, कौन क्या खाता है क्या नहीं खाएगा उस पर ये लोग होते कौन है किसी को रोकने वाले और कहने वाले कि शाकाहारी हैं इसलिए इस तरीके का नॉनवेज बंद कर दिया जाए। सबसे ज़्यादा आपको यही लोग मिलेंगे जो बंद करने वाले हैं। जी हाँ, और वहीं अगर आप ये सोचिए, जब अगर 10% या 5% लोग शाकाहारी हैं तो भाई आप शाकाहारी सब्जी खाइए ना, आपको किसने रोका है, आप खाइए, आपको किसने रोका है कि, मगर आप ये क्या आप लॉजिक लेकर आते हैं कि अगर इतना लोग जो है अगर शाकाहारी खा रहे हैं तो 95% लोग भी जो है शाकाहारी ही खाएंगे। सोचिए किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं ये। वही एक और खबर मेरे पास, एक और खबर है, जी हाँ, सुदर्शन न्यूज़, आपको पता ही होगा किस तरीके की न्यूज़ दिखाता है और कितने अच्छे एंकर लोग हैं, कितनी सच्चाई दिखाते हैं वो लोग, आपको मालूम ही होगा। जी हाँ, सुदर्शन न्यूज़ की जो एंकर है, जो महिला पत्रकार थी, वो हल्दीराम की जो शॉप में है घुस जाती है और जाकर ज़बरदस्ती जाकर जो नमकीन भुजिया है नवरात्रि की उठाकर बोलती है कि ये देख, मैं आपको दिखा दूंगी ये फ़ोटो, आप देख लीजिएगा। जो आपने इंग्लिश में लिख रखा है इसमें ऐसा क्या है जिसको आपने उर्दू में लिख रखा है? हाँ तो मुझे दीजिए कंसर्न, मैं मांग रही हूँ, मैं इस पे क्यों दूँ, मैं इस पे क्यों दूं? दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज अ सोशल और पब्लिकली आई वांट टू, इट इज मैम, हाउ कम कहती है कि इसमें आपने उर्दू में क्यों लिखा है? आखिर उर्दू में ऐसा क्या लिखकर आप परोसना चाहते हैं? क्या हमें
जो है गौमांस खिलाया जा रहा है, क्या गौमांस जो है उसका उसके तेल से बनाया हुआ ये पदार्थ खिलाया जा रहा है। सोचिए किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं और किस तरीके की पत्रकारिता हो रही है, इनके लिए तालियां बजानी चाहिए। किस तरीके की सोच वाले लोग हैं कि एक नमकीन भुजिया, हल्दीराम की जो नमकीन भुजिया है उस पर ये उर्दू पढ़ लेती हैं, वहीं इंग्लिश में लिखा होता है तो ये वो नहीं पढ़ती हैं, वहीं हिंदी में भी लिखा होता है तो वो ये नहीं पढ़ती हैं, और लगातार जो है उसकी शॉपकीपर में शॉप में घुसकर उसकी दुकान मैनेजर होती है उससे लगातार पूछती हैं कि आखिर ऐसा क्यों लिखा है, आपने उर्दू में क्यों लिखा है। सोचने वाली बात है कि किस तरीके के, और वो लगातार जो है मैनेजर कह रही है कि मैडम इसमें तीन भाषाएं लैंग्वेज जो है लिखी गई हैं, आप सिर्फ उर्दू क्यों पढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, उस हल्दीराम के पैकेट पर उर्दू नहीं अरबी भाषा में लिखा हुआ है। जी हाँ, अरबी भाषा में लिखा हुआ है, जिसकी सुदर्शन न्यूज़ की चैनल की जो पत्रकार हैं वो लगातार उसको उर्दू भाषा बोल रही हैं। अरे भैया, इस तरीके की पत्रकारिता कर देश को बर्बाद मत करो, जब आपको ये मालूम ही नहीं है कि उर्दू और अरबी में क्या फ़र्क होता है, उर्दू भाषा क्या होती है और अरबी भाषा किस तरीके से लिखी होती है, तो भैया इस तरीके का काम मत करो। उसमें लगातार वो ये पूछ रही है कि आपने क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, ये उर्दू भाषा में क्यों लिखा है। वो बता रही है बेचारी मैनेजर हल्दीराम की कि इसको ये पहले तो अरबी भाषा में लिखा हुआ है, और दूसरा मैडम आप इसको तीन लैंग्वेज में पढ़ सकती हैं, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, मगर सुदर्शन न्यूज़ की पत्रकार हैं तो उन्हें भैया उर्दू ही पढ़नी है, आपको भी पता है। उस न्यूज़ एंकर के मुताबिक मैं उर्दू बोल रही हूँ, उस अरबी भाषा के जो चीज़ जो इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है वो मैं आपको बता दूंगी कि आखिर ये उर्दू जो अरबी भाषा में लिखा क्या है हल्दीराम के पैकेट पे। पूरी खबर क्या है मैं आपको बता देती हूँ। मीडिया संगठन सुदर्शन न्यूज़ ने अपने प्रधान संपादक सुरेश चौहान के, जी हाँ सुरेश चौहान के साथ एक और विवाद खड़ा कर दिया है। जो ये विवाद खड़ा किया है वो वही उर्दू और अरबी भाषा का है कि हल्दीराम के पैकेट पर अरबी उर्दू भाषा में क्यों लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए जिसमें हल्दीराम के अपने उत्पाद में से एक की सामग्री जिसे नवरात्रि के दौरान उपवास करने वाले लोग द्वारा खाया जाता है को उर्दू में छापने के पीछे एक साजिश का आरोप लगाया है सुरेश चौहान के ने। जो ये अरबी भाषा लिखी गई है वो इसीलिए लिखी गई है, वहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, ताकि हर जगह जो है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, जो सामान जो माल है जो इनका हल्दीराम का जो बिज़नेस है वो यहाँ, ये हल्दीराम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ यहीं नहीं खाए जाते हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी खाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इसीलिए जो है उसमें अरबी भाषा पर भी भाषा में लिखा हुआ है। जी हाँ, तो उसी पर जो है ये मुद्दा गरमाया है सुरेश चौहान के ने ज़बरदस्ती का। जी हाँ, आपको मैं बता दूँ भाषा का उद्देश्य होता है कि कम्युनिकेट करना। जी हाँ, यही काम हल्दीराम ने भी किया कि आप किसी कंट्री में अगर चीज़ें अपनी भेजते हैं तो वहाँ पर अलग अलग भाषाओं में जो है लिख दिया जाता है, वहाँ इंग्लिश में भी लिखा जाता है, हिंदी में भी लिखा जाता है, अरबी में भी लिखा जाता है, तो आप देखेंगे तो इसी तरीके का काम जो है हल्दीराम ने भी किया था अपने प्रोडक्ट पर जो है उसने ये लिखा था, क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट हैं मुस्लिम बहुल देशों में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। जी हाँ, जो मुस्लिम देशों में ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं इसलिए इस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, मगर इसको मुद्दा बनाया है सुदर्शन न्यूज़ ने। अब मैं आपको बता दूं कि असल में सच्चाई क्या है, उससे मैं आपको रूबरू करा दूं। पैकेट में लिखे जो भाषा का जो अर्थ है, दरअसल इसमें जो अरबी भाषा में लिखा गया है वो प्रोडक्ट में इस्तेमाल हुए इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा है, जहां बताया गया है कि इसमें मूंगफली शामिल है, ये भारत का उत्पाद है, इसमें करी पत्ता मिला हुआ है, सुडानी कहने को ऑयल है, मीठा मिश्रण है, सामग्री 20% है, आलू मूंगफली 50% है और वनस्पति तेल पामोलिन और चीनी पाउडर 6% है, नमक काली मिर्च जो है इसका ये इस्तेमाल किया गया है, करी पत्ते का इस्तेमाल किया गया है, शुद्ध वजन जो है 200 ग्राम है, ये लिखा हुआ है उस अरबी भाषा में, मगर इसको सुदर्शन न्यूज़ की जो पत्रकार हैं
वो लगातार ये कहती है कि ऐसा क्या बेचा जा रहा है, क्या बीफ के ऑयल से ये हमें खिलाया जा रहा है। सोचिए किस तरीके के लोग हैं ये। मेड इन इंडिया, भारत को विश्व गुरु बनाने में सबसे ज़्यादा इस मीडिया का ही हाथ है। जी हाँ, इस तरीके का विश्व गुरु जिसका सपना आपने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा होगा, इस तरीके का विश्व गुरु बनाया जा रहा है हमारे देश को और हमारे समाज को उस भीड़ तंत्र में झोंका जा रहा है जहाँ आपके बच्चे भेजे जा रहे हैं लगातार सिर्फ एक छोटे से मुनाफे के लिए। आप अपने बच्चों को इस भीड़ तंत्र में तब्दील मत कीजिए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाइए, अपने बच्चों को विदेशों में भेजिए पढ़ाई के लिए और उच्च अधिकारी बनाने के लिए जो है उनके लिए तैयारियां कीजिए, ना कि इस तरीके के भीड़ में भेजिए अपने बच्चों को, क्योंकि ये आग जो है लगातार एक घर में नहीं पहुंचेगी। लगातार मैं बोल रही हूँ इस बात को, आप आज समझ लीजिए, ये मेरी बात जो है आपको आने वाले टाइम में याद आ जाएगी और आप सोचेंगे कि मैंने कहा था कि किस तरीके की आग जो है फैलाई जा रही है देश में, पूरे देश को जलाकर राख कर देगी ये आग। लगातार मैंने आपको वो खबरें बताई जो लगातार जो है आपसे छुपाई जाती हैं, वो खबरें जो आपको कभी दिखाई नहीं जाएगी, ये मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगी। लगातार मैंने वही खबरें बताई हैं जो देश में माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके का दंगा फसाद किया जा रहा है लगातार जो हो रहा है देश में, उससे मैंने आपको रूबरू कराया है। इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दबाएं और जो वहाँ घंटी है उसको भी दबा दें। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।